आईपीएल में बन जाते हैं हीरो, लेकिन जैसे ही आईसीसी का टूर्नामेंट होता है वैसे हो जाते हैं जीरो। भैया 10-10 विकेट से हारने लगते हैं और इतनी बुरी मात खाते हैं कि ये पहली टीम बन चुकी है जिसने वर्ल्ड कप में 2 बार 10 विकेट से मात खाई है। ऐसा क्या खाकर आते हैं ये आईपीएल में और ऐसा क्या आकर खा लेते हैं ये वर्ल्ड कप में नॉकआउट टूर्नामेंट्स के अंदर, यही करते हैं डिस्कस इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहले अपने प्यारे कप्तान साहब। कप्तान साहब बहुत प्यारे हैं लेकिन सिर्फ देखने में, क्योंकि ये जब खेलने आते तब भी ये लग रहा होता है कि भाई कोई दिखावे का ही बैट्समैन आ रहा है, क्योंकि जिस बंदे के बल्ले पे बॉल चढ़ नहीं रही है, जिस बंदे से खेला नहीं जा रहा है, भागा नहीं जा रहा है, फिटनेस की मतलब, अब आप ये कह सकते हो कि भैया हम लोग अगर फिटनेस की बात करेंगे थोड़ा आयरोनिकल हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हम टीम इंडिया के कैप्टन नहीं है, हमारा काम फिटनेस मेंटेन करना नहीं है। सही तो बात है। उनकी फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन अगर कोई नहीं उठाएगा और कोई उनसे जाकर ये भी नहीं पूछेगा कि सर आप क्या कर रहे हैं अपनी फिटनेस के लिए, आप अपनी बैटिंग के लिए क्या कर रहे हैं, टीम इंडिया की बॉलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये चीजें इनसे कोई पूछ नहीं रहा है और ये उसके ऊपर जवाब दे भी नहीं रहे। मुझे लगता है बीसीसीआई वाले भी इनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे यार। इनके पास पता नहीं क्या सीन है यार, किस तरीके से इनको कैप्टन बनाया मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ एज इनको बार बार यही बोला जाता है भाई 5 आईपीएल जिताए हैं तो इंडिया के लिए भी मतलब जीत ही जाएंगे, तो वर्ल्ड कप और आईपीएल में फर्क ही कितना होता है ना। मतलब इन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोला था जैसे ये कैप्टन बने थे कि अब हम एग्रेसिव क्रिकेट दिखाएंगे। बहुत एग्रेसिव। कैसा एग्रेसिव? ओहो, इतना ज्यादा एग्रेसिव कि मतलब अगर आप पावर प्ले के स्कोर निकाल लो हाँ यहाँ पे पूरे वर्ल्ड कप के, क्या ओपनिंग करिए, शानदार ओपनिंग भाई साहब। पहला ओवर मतलब मेडन पहला ओवर मेडन, आप मान के एग्रेशन कर सकते हैं क्या कोई? इसे ही तो असली एग्रेशन कहते हैं और किसको कहते हैं? आपको क्या लगता है पहले ओवर में आके अपना 15-16 रन 20 रन ठोक दो, बॉलर्स का इतना गंदा भूत बनाओ पहले 6 ओवर के अंदर के, ये बंदा तो इंग्लैंड वाले करते हैं, बॉलिंग करना छोड़ दे अगला बंदा, मतलब इतना एकदम हिम्मतें टूट जाए, वो थोड़ी होती है अग्रेसिव क्रिकेट। इंग्लैंड तो डिफेंसिव करता है, कितना बच्चों वाला खेला है, बच्चों वाला करते हैं वो। असली क्रिकेट तो इंडिया खेल के जा रही है अग्रेसिव वाली, और उसके अग्रेशन में ये कर क्या रहे हैं? मतलब बार बार ये जो आईपीएल और वर्ल्ड कप का कंपैरिजन किया जाता है, एक काम करें क्या, इनके आईपीएल के स्टैट्स कंपेयर करते हैं इनके वर्ल्ड कप के स्टैट्स से। बिल्कुल, आईपीएल के बताना शुरू करता हूं, आप इनके वर्ल्ड कप के बताना। बिल्कुल सर, रोहित शर्मा साहब ने 2022 के आईपीएल के अंदर 14 मैच खेले, 268 रन बनाए 19 के एवरेज से, महज 19 का एवरेज। इस एवरेज को एवरेज भी नहीं कह सकते, मतलब अच्छा बुरा बुरे में ही आता है ये, अच्छे में नहीं आता और एवरेज भी नहीं कहलाता ये। इसके अलावा स्ट्राइक रेट 120 का, इसमें कोई ऑब्वियस की बात है मतलब कोई 50 और 100 तो होनी नहीं थी। बताओ यार 120 के स्ट्राइक रेट से ओपनर आए और वो भी ये बंदा ओपनर, सोचो बेस बनाना है टीम के लिए, बेस बनाना है। अब कप्तान है ये, कप्तान भाई कप्तान है ये, इनसे पूछे ना क्या भाई कैसा खेल रहे हो तुम यार आईपीएल में, खाली यही बोल के कब तक आप इम्यूनिटी लेते रहोगे आईपीएल में भी कि भैया नहीं कैप्टन है इस बार फॉर्म अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बस इस बेसिस पे कि आईपीएल जिता दिए। बताओ आईपीएल जिता दिए, इंडिया कैप्टन बना दिया, आईपीएल जिता रहे हैं तो वर्ल्ड कप भी जिता देंगे और अच्छा इसीलिए खेलते हैं, मतलब गंदा खेलेंगे लेकिन यही लोग बोलते रहे कि नहीं बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बताओ यार वर्ल्ड कप स्टैट्स, वर्ल्ड कप के स्टैट्स के मतलब आप देखो, ओहो मतलब आंसू ऐसा निकलेगा ना बिल्कुल आंख से, मैं बताता हूं। पहला मतलब अगर आप इनके मैच देखो तो 6 मैच इन्होंने खेले हैं, मात्र 116 रन, वाह, हाईएस्ट स्कोर 53 अगेंस्ट नीदरलैंड्स। नीदरलैंड कितने कैच छूटे थे, कैच रन आउट दो तीन तो कम से कम मौके बना के दिए, तीन कैच और उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया उनको कैच दिया। हाँ। उसके बाद एवरेज इनकी 19.33, 100 एक भी नहीं, 50 एक मारा नीदरलैंड्स के खिलाफ, वाह, और मतलब कैसे स्कोर है इनके 2, 27, 4, 15, 15 और वो भी मतलब 100 के आसपास के स्ट्राइक रेट से। यार ये कैसा T20 हो रहा है भाई, ये अग्रेसिव क्रिकेट है जो सिर्फ इंडिया खेल रही है, रोहित शर्मा भाई की कप्तानी में खेल रही है, और अगर आप इसे सवाल करोगे तो आप इनके फैन क्लब्स के टारगेट पे आ जाओगे, फिर ये आके आपको गालियां देंगे और बाकी फिर ये जो बाकी क्या नाम है जर्नलिस्ट वगैरह बाकी लोग जो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे होते हैं ना, ये सवाल एक तो पूछते नहीं है। हाँ। इनसे जब पूछने जाते हैं तो पूछते हैं आप बताइए कि वो कैसा कर रहा था, आपको फील कैसा हो रहा है, अबे क्या हलवा चल रहा है यहाँ पे, फील करेंगे यहाँ पे हम बैठ के यार, मैच हार गए, सेमीफाइनल हार गए, आपको अबे देश की जनता पागल हुई पड़ी है, वो शुरू से क्वेश्चन कर रहे हैं भाई कब आओगे, कब आपको सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ के फॉर्म में कब आओगे, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट में फिर इनकी वो स्टोरियां चलती है भाई आखिर में रो दिए तो सिंपथी ले लो, वहां बैठ के, और वो भी पता नहीं लग रहा रो रहे हैं कि नहीं रो रहे, मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो, लेकिन क्या ये आप देख नहीं रहे थे, एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे
इतने गंदे सिलेक्शन के बाद और आगे बढ़ते हैं, ये तो रोहित शर्मा थे, केएल राहुल पे आते हैं। ओहो केएल राहुल अनदर लेजेंड, लेजेंडरी भैया, लेजेंडरी आईपीएल प्लेयर। इनको इंडियन प्लेयर कहने का दिल करता नहीं है मेरा अंदर से, क्योंकि आईपीएल के जिस तरह के लेजेंड है, जिसके बेसिस पे बोलते हैं कि भाई आईपीएल में इतना बढ़िया करते हैं, टी20 टूर्नामेंट में इतना बढ़िया करते हैं, तो ये इंडिया के लिए भी जब टी20 खेलेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे। मैं बताता हूं क्यों ऐसे लोग एंटीसिपेशन लगाते हैं, क्योंकि केएल राहुल के अगर आप स्टैट्स उठा के देखते हो आईपीएल 2022 के 15 मैच में 616 रन यार। उसके अलावा 51 का एवरेज, उस 51.3 का इनफैक्ट, और उसके अलावा 135 का स्ट्राइक रेट। मजाक चल रहा है यार, बताओ यार। और वही अगर इनके वर्ल्ड कप में आ जाओ, 6 मैच खिलाए इनको, सारे मैच खिलाते हैं, सारे मैच, सारे मैच खेले 6 के 6, उसमें इन्होंने मारे कुल मिला के 128 रन। इतने ज्यादा नहीं हो गए तो? अरे यार 128, मेरे को भी एकदम से 3 ट्रिपल फिगर में आ गए भाई राहुल भाई, क्योंकि जिस हिसाब से ये निकले हैं, मतलब इनके अगर मिनट रहे, अगर आप मिनट भी लिखे हैं मेरे पास, कितने मिनट रहते हैं, कितने मिनट रहते हैं ये, 13 मिनट, वाह, 12 मिनट, वाह, 25 मिनट, उफ, 40 मिनट, अरे भाई साहब थक गए होंगे ये तो 40 मिनट मेरे ख्याल से बांग्लादेश और जिम्बाब्वे में 40 मिनट रुके हैं, क्या बात है। और उसके बाद इंग्लैंड में फिर से 8 मिनट, वाह वाह वाह, और थक जाता है इतने ज्यादा रहने, आप 40 मिनट मतलब आप कह रहे हो कि बॉले खेल के जा रहे हैं, इतना टाइम बिता के जा रहे हैं, भाई बंदा थक भी जाता है, है? मतलब और क्या करेगा बंदा, इतना खेल के जाएगा, इतना सारा तो आईपीएल में खेल के आ जाते हैं, खेल दिया यार, मतलब कैसे हो सकता है बंदा इतने सारे रन बना दिए, मतलब छोटे मैच के बड़े खिलाड़ी हमारे केएल राहुल साहब बन के आए हैं। छोटी आईपीएल आप खेलते हो उसमें, मतलब जहां स्टेक्स कुछ नहीं होते हैं वहां पे आप खेल के जाते हो और भाई साहब भूत बनाते हो बॉलर का, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, वहां कान पकड़ वहां कर, मैं कुछ नहीं सुन रहा, मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, वो हेटर्स हैं जो बाकी बोल रहे हैं। भैया केएल भाई देखो, हम आपके हेटर्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो टीम मैनेजमेंट को भी आपको रश करके टीम में नहीं लाना चाहिए था। अगर आप पूरी तरह से फॉर्म में नहीं आए थे, अगर आप इंजरी से पूरी तरह और जो सारी रिकवरी कर रहे थे उससे अगर आप आए तो पहले तो जल्दबाजी में लेके आए, जल्दबाजी में लेके आए, आपकी फॉर्म साथ में नहीं आई तो उसके सवाल तो करेंगे ना, भाई फॉर्म क्यों नहीं आ रही है। वरना अगर ओवरवर्क नहीं करना है तो फिर जसप्रीत बुमराह को आप देख लो, वो बंदा जब इंजरी से उठ के आ रहा था पूरी तरह फिट नहीं था, लेकिन टीम इतने प्रेशर में थी कि वो आ जाएगा तो जादू हो जाएगा, एशिया कप का पिट गए थे बुरी तरीके से, तो जादू हो जाएगा बुमराह के आते ही और फिर हम जीत जाएंगे दोबारा से वर्ल्ड कप जाके। वो बंदा रिकवर नहीं हुआ था, वो फिर जाके इंजरी में चला गया। जबरदस्ती अगर आप किसी को खिलाओगे तो यही होगा, और राहुल को भी जबरदस्ती खिलाओ, और मुझे लग रहा है जबरदस्ती इनको वाइस कैप्टन बना रखा है यार, ये अलग इम्यूनिटी दे रखी है यार वाइस कैप्टन का, क्या रोहित भाई को कैप्टनसी की इम्यूनिटी और ये अपना क्या नाम है वाइस कैप्टन की, यार इनका चेहरा देखो ऐसे, मतलब कभी मैंने एक बारी पूरे टूर्नामेंट में इनको उत्साहित देखा जब इन्होंने वो डायरेक्ट हिट मारी थी लिटन दास वाली। यार देखो वो टर्निंग पॉइंट था उस मैच का, मान लेते हैं, लेकिन एक आप मतलब आपने पूरे एक टूर्नामेंट में एक बार वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में आप टीम इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाइस कैप्टन हो, आपको लग रहा है बस एक आप अच्छी परफॉर्मेंस दे दोगे और उतने में आपके अगले 2 टूर्नामेंट 3 टूर्नामेंट या पूरे साल भर का कोटा पक्का हो जाएगा। बताओ ये कैसी मैनेजमेंट है, कैसी सिलेक्शन है, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल इस टूर्नामेंट में एक डिसअपॉइंटिंग चीज और रही, हम बहुत खुश थे कि दिनेश कार्तिक को लेकर जा रहे हैं, दिनेश कार्तिक का एक कमाल का कमबैक रहा आईपीएल के अंदर भी, इतनी बढ़िया, मतलब वो एक होती है ना कि अंडरडॉग वाली स्टोरी उनके लिए बन के आई है कि अपना करियर खत्म करते करते भी, मतलब जहां इतने नीचे पहुंच गए थे वहां से एकदम ऊपर उठ के आए और टीम इंडिया के लिए जगह बनाने में अपने लिए कामयाब हो गए। आईपीएल में उनका क्या हिसाब था वो बताता हूं मैं आपको। 2022 में जो उन्होंने खेला, जहां कमबैक कह रहे हैं, 16 मैच के अंदर 330 रन, 66 रन का उनका नॉट आउट रहा, हाईएस्ट स्कोर, 55 का एवरेज और 183.3 का स्ट्राइक रेट। बताओ आप मान के चलो 200 का स्ट्राइक रेट, मतलब 200 से थोड़ा सा ही कम रह जाता है, आप लगा के चलो इतना बढ़िया, तभी उनको फिनिशर पोजीशन दी गई। लेकिन जब उनको लेकर आए तो हमने ये देखा कि वो कीपिंग में भी अपनी कुछ चांसेस जो थे उन्होंने मिस करे, उनको समझ नहीं आ रही है, तो कैच लग रही है नहीं लग रही है भाई, कोई अपील नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं यार, मतलब कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं यार कि मैं अच्छा एक कीपर हूं। और प्लस जब उनको मौका भी मिला कि चलो भाई अब फिनिश करना है, पाकिस्तान का मैच फिनिश करना है, अच्छा बिल्कुल मौका था, यही रोल है उनका, यही करना था आपको, और वहां पैड पे लगी स्टंप हो गए। अब वही है कि देखो प्रेशर सिचुएशंस थी, उसी जगह के लिए स्पेशली उनको लाया गया था, लेकिन उनके भी सिंगल डिजिट स्कोर ही हमें देखने को मिले हैं, मतलब इतना अच्छा उन्होंने नहीं परफॉर्म करा जितना हम चाह रहे थे। शायद यही एक वजह हो सकती है कि आखिर में दोबारा से वो लेकर आए ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत ने सेमीफाइनल में उनको ज्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं, उन्होंने अपनी विकेट गंवाई नहीं, उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी, अपनी विकेट छोड़ दी ताकि हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे आ जाए, वो अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे बॉल को, इसीलिए वो अगर रहेंगे आखिरी कुछ बॉल है।
अपना थोड़ा रन बन जाएंगे और वो हुआ भी। तो ऋषभ पंत की यहाँ पे हम दिक्कत ज्यादा कह नहीं सकते हैं, ले देके दो मैच ही खेले हैं यार, उसमें क्या बोले हम उसमें। एग्जैक्टली, दो मैच खेले और उसमें कीपिंग अच्छी करी है उन्होंने, मतलब जहां भी उनको मौका कम से कम कीपिंग के लिए तसल्ली थी कि चलो भाई ये अच्छा हो रहा है कि आपको कीपर पीछे से जो है बहुत ज्यादा चार्ज्ड अप रखता है बॉलर्स को भी और सारे फील्डर्स को भी, थोड़ा एक वो जो था ना कि और कैच हुई है नहीं हुई है, एक उनका वो था पार्टिसिपेशन था। बिल्कुल, कार्तिक का वो देखने को नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं मिला। और मतलब मैं तो कैप्टनसी में भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने ऋषभ पंत को खिलाया है तो अगर आपने इंग्लैंड का मैच अगर सेमीफाइनल में उनको खिला रहे हो, आपको पता है कि वो एंड में आके वो फिनिशर वाला रोल, डीके वाला रोल नहीं कर सकते, तो आप उनको सूर्य कुमार के बाद क्यों नहीं भेज रहे। आपने पांड्या भेजा, चलो पांड्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पांड्या एंड में भी अच्छा फिनिश कर सकते हैं। पांड्या ने भी जो एक मतलब जो है ना सुपरलेटिव परफॉर्मेंस, वो मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में ही दी है, क्योंकि बाकी पूरे टूर्नामेंट वो बहुत अच्छा नहीं चल रहे थे, उनके बल्ले से बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। आप कहोगे पाकिस्तान के टाइम पर भी हार्दिक पांड्या टिके हुए थे, पार्टनरशिप बना रहे थे, लेकिन वो सिर्फ टिके हुए थे, मतलब वो अच्छी बात थी, लेकिन मार नहीं पा रहे थे। जब वो कनेक्ट करने की बारी आ रही थी, वो बॉल चिपक नहीं रही थी उनके बल्ले पे, वो बस रन अ बॉल करते हुए 40 रन अपने बना के गए हैं। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन वो जो हिटिंग एबिलिटी जो जिसकी हमें उम्मीद थी उनसे, वो उन्होंने बैटिंग फ्रंट पे तो डिलीवर नहीं करा। बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक करी है, फील्डिंग उन्होंने ठीक ठाक करी है, तो इसीलिए उनका नाम अभी हम इस लिस्ट में, जो ये जो लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन है रोहित शर्मा, केएल राहुल, इस लीग में अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं। वो बहुत ऊपर, वो सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया है। दिनेश कार्तिक साहब का भी हमने जो है उनकी बात कर ली है, बॉलर्स पे भी आते हैं एक एक करके। सबसे बड़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात करी, डिसअपॉइंटमेंट एक तो टीम मैनेजमेंट की तरफ से, भैया जसप्रीत बुमराह बताओ कि वो अपने आईपीएल के सारे मैचेस खेलते हैं, कभी इंजर्ड नहीं होते। मात्र एक मैच है बुमराह ने जो नहीं खेला है, वो भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से इंजरी नहीं थी, इंजरी कोई नहीं थी, तो इंजरी वहां पे नहीं होती है, लेकिन टीम इंडिया के लिए जब खेलने की बारियां आती है तब वो इंजर्ड हो जाते हैं। आप कह सकते हो भाई ये तो उनकी गलती नहीं है, अब इंजरी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट कैसे डील कर रही है, जो एनसीए बना रखी है जहां रिहैब होता है प्लेयर्स का, वो क्या काम कर रहे हैं कि वो बंदा वापस आता है और फिर इंजर्ड हो जाता है। हाँ? एक दो गेम खेल के, मतलब एशिया कप तक में आप कह रहे हो कि चलो अच्छा लेके आते हैं वापस, एशिया कप के बाद वापस लेके आते हैं, वर्ल्ड कप के लिए हमने उनको बचा रखा है। जब वर्ल्ड कप के लिए बचा ही रखा था तो या तो बिल्कुल एशिया कप के आसपास आप कंसीडर ही ना करते, उनको प्रॉपर अच्छे से रिहैब में रहने देते कि भाई आप वर्ल्ड कप के लिए ट्यून हो, आप वर्ल्ड कप के साथ कोई बैर नहीं। हाँ, लेकिन नहीं, आपको एशिया कप में बीच में स्कीम ऑफ थिंग्स में घुसाना है, उसके बाद उनको ओडीआई के बीच में जबरदस्ती घुसाना है। लेकिन यार ये कैसी बात हुई कि आपको उस समय पे आप टूट गया ना बेचारा, मतलब उसकी भाई तुमने तोड़ दिया बंदे को, तोड़ दिया, पीठ टूट गई है, टांग टूटी पड़ी है, सब कुछ हो रहा है, बल्लू बजा दिया वेलकम के, बल्लू बता उसको, वो कुछ बताने लायक नहीं है फिलहाल। वो तो इस टाइम में शुक्र मना रहे होंगे कि जिस तरह से हमारे बैट्समैन हमारे जो गंदा कर रहे थे, अच्छा है अगर मैं वहां पे खेल नहीं रहा था, वरना मुझे भी फ्री फंड की गालियां पड़ रही होती, इस टाइम तो शुक्र मना रहे होंगे अपना। बाकी बॉलिंग की अगर बात करें ना, भुवनेश्वर कुमार अब आप कहोगे कि यार देखो ठीक ठाक तो परफॉर्म कर रहा था, दिक्कत ये है कि उनकी इकोनॉमी इस वर्ल्ड कप के अंदर 6 के आसपास की रही, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी इकोनॉमी है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन 6 मैच में अगर आपका स्ट्राइक बॉलर 4 विकेट ले रहा है, यानी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं अपनी दिखा रहा है, तो ये भैया इसे अच्छी बॉलिंग का या बुरी बॉलिंग का ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। और पर्सनली स्पीक कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं कि मतलब उनसे पूरे पूरे ओवर भी नहीं कराए, जैसे कल के मैच, कल का मैच 15 ही ओवर में, मैच ही पूरा ओवर ही पूरे नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप भुवनेश्वर कुमार को रोक रहे हो, आप उनको फ्रीली खुद से भी नहीं जाने दे रहे हो, या तो कि चलो इनके ओवर निपटाने हैं, अब निपटान के लिए थोड़ी रखा हुआ है यार बंदा, विकेट टेकिंग के लिए रखा हुआ है या फिर रन बचाने के लिए रखा हुआ है, तो वो जो दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही है तो फिर कैसे चल पाएगा। नहीं मतलब मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक आईपीएल का उनका वो भी बताता हूँ आपको, खाका क्या है भैया इस साल का, 2022 में 14 मैच खेले और उन्होंने 12 विकेट लिए सिर्फ, यानी कि 1 विकेट पर मैच का हिसाब भी वहां भी नहीं था, लेकिन उनका इकोनॉमी जो है वहां पे 7.34 था। अभी जो यहां इकोनॉमी गई है इससे थोड़ा स्लाइटली मतलब ये रहा कि थोड़ा सा ज्यादा ही था, बट वो अगेन सबकॉन्टिनेंट कंडीशंस थी, उस वजह से भी होता है। यहां पे एक तरीके से सीम बॉलर जो उनको हेल्प करती है कंडीशंस, तो उस वजह से उनका इकोनॉमी रेट थोड़ा कम रहा, लेकिन विकेट निकालने में तो बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। स्ट्राइक रेट भी इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो भैया ये तो इनका भी परफॉर्मेंस हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हैं, हालांकि रोहित शर्मा कल की हार का ठीकरा भी बॉलर्स पर फोड़ के चले गए कि भैया मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं माना, मतलब बॉलर्स ने गलती करा है, इंडिविजुअली सबका योगदान है इसमें, एज अ टीम हमारी टीम उसमें अच्छा, हमें उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल करे, वी डिड वेल
टुवर्ड्स द लेटर हाफ इन आर इनिंग्स, मतलब कि हमारी बाद की बैटिंग जो थी उसमें हमने बढ़िया कर लिया, खाली बट दे अच्छी थी, बट दे मतलब बॉलर्स के लिए दे उनको दखल कर दिया कि भैया वी तो बैट्समैन है, हमने तो अपने तरफ से एंड में अच्छा कर लिया, बॉलर्स जो वो लोग हैं उन्होंने गंदा करा है, हमारी गलती नहीं है। ये तो कप्तान है जो बंदा ओनरशिप नहीं ले सकता है टीम की, टीम की हार की, इतनी बड़ी हार की, ये हाल है उनके। हर्षल पटेल जैसे बंदे को आप स्क्वाड में लेके जाते हो, वो बंदे से खिलाते नहीं हो, पता है क्यों नहीं खिलाते हो, क्योंकि उनकी पिछली परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बेहद खराब है। लेकिन आप फिर कहोगे कि उनको लेके क्यों गए, वजह वही है आईपीएल स्टार्ट देख लेते हैं एक बार, इतने कमा लेंगे आपकी आंखें फट जाए, मतलब कान फट जाए, कान ये वाला कान। तो हर्षल पटेल 2022 में इन्होंने 15 मैच खेले और 19 विकेट लिए, ठीक है जी, 21.5 का बॉलिंग एवरेज रहा, 7.6 का इकोनॉमी रेट रहा। ये वही बंदा है जो 19 ओवर में जाके 20-25 रन खा रहा था। लेकिन लेकिन इकोनॉमी रेट आप देखो आईपीएल में 7.6 का चल रहा है ओवरऑल, बताओ ठीक है ना, और विकटे भी है 15 में 19। और 2021 को अगर आप देखो कि भैया हर्षल पटेल का ये फिनोमेना बनना कहां से शुरू हुआ, 2021 में ये आप देखो 15 मैच में 32 विकेट लिए, 32 विकेट 15 में। अब ये मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, बट पर्पल कैप होल्डर थे, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, बट 15 मैच में 32 विकेट, और आप मान के चलो कि 5 विकेट्स भी लिए एक इनिंग में, ये इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, 5 विकेट्स एंड 27 रन उन्होंने दिए थे उसमें, 8.1 का उनका इकोनॉमी रेट रहा। तो 8 का इकोनॉमी रेट T20s में ज्यादा बहुत ज्यादा माना नहीं जाता है, एक ठीक ठाक माना जाता है, 8 का 8.5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो ज्यादा माना जाता है हर्षल पटेल। लेकिन ये आईपीएल के जो हीरो थे ये अब टीम में बैठे हुए हैं, इनको प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं दी गई है, यानी कि यहाँ पे टीम मैनेजमेंट खुद उनको जीरो मान के चल रही थी कि उनकी जगह भी नहीं बन रही थी। तो लिया क्यों यार, मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन थी कि जहाँ पे फास्ट बॉलिंग आपको ज्यादा महत्व देना चाहिए, वहां पे आप अश्विन को खिला रहे हो, कि अश्विन को आपको पता है इसकी बंदे की पिटाई होगी, 40 रन ये खाएगा, लेकिन नहीं हम हर्षल पटेल से टेस्ट नहीं करेंगे, जबकि हर्षल पटेल भी बैटिंग कर सकते हैं। और हर्षल पटेल यार जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने जब टेस्ट करना था, मैं बैटिंग की बात करूंगा, कि उन्होंने दिनेश कार्तिक को हटा के ऋषभ पंत को लेके आए, उस टाइम पे अगर आपको टेस्ट ही करना था तो भैया किसी एक बॉलर को हटा के, शायद अक्षर पटेल को या अश्विन को आप हटा के यूजी चहल को भी आप ट्राई कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि लेग स्पिनर है भैया, लॉजिक हो गया ना भैया बीसीसीआई में। तो ये थे सारे आईपीएल के हीरो जिनके आईपीएल में स्टैट्स थे कमाल, चमकते हुए सितारे वहां आपको नजर आएंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में आते ही टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते ही ये हो जाते धराशायी एकदम, ये वो हो जाते, कौन से वो तारे होते हैं वो काले काले, ब्लैक होल ब्लैक होल हो गए हैं। तो भाई आप बताइए यार कैसे लगे हमको ये, हमको तो बहुत ही बुरे लगे, आपको कैसे लगे ये जो आईपीएल के हीरोज और जो आईसीसी में आके इन्होंने ढेर सारा कमाल दिखाया है, ये कमेंट्स में हमें बताएं, और साथ ही साथ अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, हर जगह जहां जहां दिखते हैं वहां वहां आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बाकी हमारे पर्सनल हैंडल्स को भी आप मतलब लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, हमसे डीएम पे बातचीत कर सकते हो। और इनका भैया अब अपना बता दो पहले, मेरा है प्रशांत कपूर 95, पुअर पुअर वाले पुअर है हम, अच्छा वो पीयूआर वाला नहीं है, पीयूआर वाला नहीं है, पुअर है, ठीक है जी। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा, मेरा इंस्टा हैंडल है @abhishek_manchanda_, ठीक है जी, देखते रहिए अनकट।